दोस्तों छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कई सारे कलाकार हैं जिन्हें अपने लाजवाब एक्टिंग के चलते दर्शकों का खूब सारा प्यार और आशीर्वाद मिला और यह कलाकार छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में अपना एक अलग पहचान बनाए। लेकिन किन्हीं कारणवश इनमें से कुछ कलाकार आज हमारे बीच नहीं है या हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गए। तो आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के कुछ ऐसे ही कलाकार देखने वाले हैं जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। नंबर 3, निशांत उपाध्याय। दोस्तों निशांत उपाध्याय जी छत्तीसगढ़ के एक बड़े ही महान कलाकार और कोरियोग्राफर थे। इन्होंने कई सारे फिल्मों में बतौर एक्टर और कोरियोग्राफर का काम किया है। इन्हें बेस्ट कोरियोग्राफर के अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। जून माह में इनका तबीयत अचानक ही बहुत ज्यादा खराब हो गया जिसके चलते इन्हें रायपुर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इनको ये पॉजिटिव ब्लड की आवश्यकता थी लेकिन इनको यह ब्लड समय पर नहीं मिल पाई जिसकी वजह से इनका निधन हो गया और यह हमेशा हमेशा के लिए छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह गए। नंबर 2, आशीष सेंद्रे। आशीष सेंद्रे आज छत्तीसगढ़ में किसी पहचान के मोहताज नहीं है। इन्होंने एक से एक सुपरहिट फिल्मों में काम किया है और अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है। इन्हें फिल्मों में पहला मौका सन 2000 में छत्तीसगढ़ी फिल्म मुरछैया भुया में सतीश जैन ने दिया और इनके दमदार एक्टिंग के चलते इस फिल्म के बाद छत्तीसगढ़ में इनका एक अलग ही पहचान बन गया। आशीष सेंद्रे जी छत्तीसगढ़ी के अलावा कई सारे भोजपुरी फिल्मों में भी काम किए हैं और भोजपुरी जगत में भी अपना एक अलग छाप छोड़े हैं। 10 जुलाई 2019 में इनका तबीयत अचानक से खराब हो गया और इनको रायपुर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया जहां इनका निधन हो गया। भले ही आज आशीष सेंद्रे जी हमारे बीच नहीं है लेकिन लोगों के दिलों में यह हमेशा राज करते हैं। नंबर 1, पुष्पांजलि शर्मा। हाल ही में छॉलीवुड को एक और बड़ा झटका लगा है। हाल ही में 14 जुलाई को छत्तीसगढ़ के जाने माने कलाकार पुष्पांजलि शर्मा का एक बस एक्सीडेंट में निधन हो गया। यह एक बहुत ही प्रसिद्ध और मजे हुए कलाकार थे। इन्होंने कई सारी छत्तीसगढ़ी और भोजपुरी फिल्मों में माँ का किरदार निभाया है लेकिन अचानक इनका निधन से पूरा छॉलीवुड शोक में डूबा हुआ है। दरअसल पुष्पांजलि शर्मा उत्तराखंड तीर्थ यात्रा के लिए गए हुए थे। वहाँ से वह एक बस से वापस आ रहे थे तभी एक ट्रक वाले ने अचानक बस को जोरदार टक्कर मार दी जिसकी वजह से उसी बस में पुष्पांजलि शर्मा जी का निधन हो गया।